हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस हाई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10, गुजरात बोर्ड से। एवरी पर्सन्स मॉर्निंग बिगिन इन अ डिफरेंट वे। हर इंसान के जो दिन की शुरुआत होती है वो अलग ही तरीके से होती है। मेनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी जो है सांसारिक सुख के साथ खुश से बिताते हैं, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, यानी कि उनको हर सुख सुविधा नहीं उपलब्ध है, इसकी वजह से उन्हें संघर्ष करना पड़ा है ताकि वो कुछ सुख या आनंद उठा सकें। फॉर दीज पीपल हु आर कॉल्ड पुअर, फिजिकल प्लेजर, वेल बींग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। अब इन लोगों की अगर हम बात करें, खास तौर से इनको हम गरीब लोग जो कहते हैं, इनके लिए एक तरह से जो सुख है, अच्छा रहन सहन है या आराम है, ये सिर्फ इनके लिए एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, क्योंकि इन्हें हर वक्त अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड? अब ये सिचुएशन खड़ी कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुई? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव देयर आंसर्स। इस तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब भी हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। आज की जो हमारी मॉडर्न दुनिया है, इसमें हर देश कोशिश कर रहा है कि वो जो है विकास कर सके, डेवलप हो सके। बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। लेकिन विकास का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली आर्थिक विकास ही होना जरूरी है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मेनी फेसेस। ये एक तरह की सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे पहलू हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जो आर्थिक रूप से विकास होता है वो लगातार एक बढ़ोतरी दिखाता है जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसमें। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एक लगातार स्तर पे, एक समान स्तर पे बढ़ोतरी होना हमारी जो नेशनल इनकम है कंट्री की, उसमें इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है उसमें बढ़ोतरी, चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, चेंज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, जो उनका एक रहने का स्टैंडर्ड स्तर है, उनके उसमें बदलाव होना, ये है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। पूरे कंट्री की जितनी भी इनकम होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। जब हम टोटल इनकम जो कंट्री की है उसको टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री की है उससे डिवाइड करते हैं, तब हमें पर कैपिटा इनकम पता चलती है। व्हाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटीज लाइक ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर। जबकि हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सुविधाएं, खाना मिलना चाहिए इंसान को, कपड़े हो उसके पास, पढ़ा लिखा हो उसकी या पढ़ाई हो सके, उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, यहाँ तक कि उसको शेल्टर मिल सके। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं जब उसके पास होती हैं तब हम लिविंग स्टैंडर्ड ये काउंट करते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ग्रेन्स, क्लॉथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, शेल्टर एक्सेट्रा। जब से हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है इंडिपेंडेंस के बाद से, तब से जो सर्विसेज हैं या जो फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हैं, जैसे अनाज हो गया, कपड़ा है, बिजली, पढ़ाई, स्वास्थ्य या मकान संबंधी जो भी सेवाएं हैं, इनमें काफी सुधार हुआ है। द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इजीली एंड इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू द पास्ट। ये जो सब ऊपर रिक्वायरमेंट्स दी हैं ये आसानी से पूरी हो जाती हैं और कहीं बेहतर तरीके से अगर हम पास्ट से कंपेयर करें। सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया।
इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से विकास हो रहा है कंट्री के अंदर। अब नेशनल इनकम जो इंडिया की है वो क्या है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विच वॉज 87,36,039 करोड़ रुपीज जो है वो थी 2011-2012 में, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 1,35,67,192 करोड़ इन 2015-16। इतनी बढ़ोतरी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें विकास हुआ है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क है? इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ द वर्ड्स शोज एन इंक्रीज। अब अगर हम साधारण उसमें बात करें तो चाहे हम आर्थिक तौर पे प्रोग्रेस की बात करें या आर्थिक तौर पे हम विकास की बात करें डेवलपमेंट की, तो दोनों ही वर्ड्स बढ़ोतरी दिखाते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेकिन तब भी इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब दे आर एज फॉलोज, क्या फर्क है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, अब डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें क्या फर्क है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव व्हाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी के आधार पे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होती है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी के आधार पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज व्हाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहली स्टेज है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो स्टेज है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आती है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, किस तरह के बदलाव इकोनॉमी में हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेस इन इकोनॉमी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर जो नई रिसर्चेस हैं उनके आधार पे कहें इकोनॉमी में अगर बढ़ोतरी होती है, बाय चांस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज बीन मेनी फोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो हाइब्रिड सीड्स आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करी जा रही है उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाता है। ऑन द अदर साइड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और वहीं पर अगर बढ़ोतरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हो रही है एक तरफ, तो वो इस वजह से हो रही है क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस, डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस आल्सो। डिफरेंस जो है दोनों में देखने को मिलता है, अगर हम डेवलप जो विकसित है या जो विकासशील देश है उनके रिलेशन में बात करें। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। व्हाइल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहीं अगर डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीज होता है नेशनल इनकम में तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। जो इकोनॉमी है डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की वो सेपरेट होती है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग कंट्री। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2004 की वर्ल्ड बैंक की, उसके अनुसार चीन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम जो है $735 से कम आई है, उनको जो है डेवलपिंग इकोनॉमी के उस क्षेत्र में रखा गया है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, अब कौन कौन से फीचर्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के। लेस पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस। जो नेशनल इनकम होती है विकासशील देशों की वो कम होती है, व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई, जबकि जो जनसंख्या है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। सो पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो, इस वजह से पर कैपिटा इनकम काफी कम रहती है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो। जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों के वो इसी वजह से कम है क्योंकि पर कैपिटा इनकम काफी कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशन।
जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होता है डेवलपिंग नेशंस में। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दीज नेशंस। जो रेट है ग्रोथ पॉपुलेशन का या उसका जो बढ़ोतरी होती है जनसंख्या की वो लगभग 2% ज्यादा होती है इन नेशंस। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर। ज्यादातर जो लोग हैं डेवलपिंग कंट्रीज के उनका जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। 60% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे विकास के लिए या रोजगार के लिए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ दीज नेशन इज अबाउट 26%। तो एग्रीकल्चर का जो योगदान है नेशनल इनकम में वो लगभग 26% होता है ऐसे नेशंस के अंदर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब समान तौर पे जो इनकम होती है उसका डिस्ट्रीब्यूट ना होना या जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस। गांव हो शहर हो दोनों जगह आपको यह असमानता देखने को मिलेगी। 20% ऑफ रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ द नेशनल इनकम एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10% ऑफ नेशनल इनकम। जो रिच लोग हैं कंट्री के, 20% जो रिच लोग कहे जाते हैं कंट्री के, वो लगभग 40% नेशनल इनकम शेयर करते हैं, जबकि जो 20% लोग गरीब हैं वो 10% नेशनल इनकम शेयर करते हैं। This concentration of income and property is seen in the hands of rich people in developing country economy. और ये जो income है, property है, जिसका एक तरह से ज़्यादा concentration इकट्ठा जो है, वो बड़े लोगों के पास दिखती है, rich लोगों के पास के उनके हाथों में दिखती है, ये आपको देखने को मिलेगा developing economy के अंदर। दूसरा फिर है unemployment. Unemployment यानी बेरोजगारी। Unemployment may be counted as an important feature of the developing countries. बेरोजगारी भी एक बहुत अहम फीचर है डेवलपिंग कंट्रीज का। इन दीज कंट्रीज रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ द टोटल लेबर। ऐसे कंट्रीज में जो रेशियो अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है, वो 3% से ज्यादा है टोटल लेबर जितनी भी है उसमें। इन दीज कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे बी सीन। अब ऐसे कंट्रीज में जो है अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया जब कुछ वक्त काम है कुछ वक्त काम नहीं है। डिसगाइज्ड यानी छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जहां कम लोगों की जरूरत है वहां ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जो है आपको अब काम उतना नहीं मिल रहा। मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। और ये जो बेरोजगारी का पीरियड है बहुत लंबा होता है। पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी। पॉवर्टी भी जो है एक फीचर कह सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी का है, गरीबी जिसे कहते हैं। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। अब जो लोग अपनी ये जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये सब, ये गरीब श्रेणी में आते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पर इस तरह के लोगों की जो जनसंख्या है वो लगभग टोटल पॉपुलेशन में 1/3 है। ड्यूअल इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। अब जो इकोनॉमी होती है डेवलपिंग कंट्री की वो ड्यूअल या मिक्स सिस्टम पे आधारित है। ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस। अब एक तरफ आपको जो खेती बाड़ी करने का तरीका है वह काफी पुराना है, पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल, एक रूढ़िवादी सामाजिक स्ट्रक्चर है, कम पैदावार हो रही है, ऐसा आपको गांव में देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड देयर आर सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। वहीं दूसरी तरफ शहर है जहां मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, नई पैदावार होती है, प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, मॉडर्न तरीके की मशीनरीज हैं जो इम्प्लीमेंट करी जाती हैं, और जीने का जो तरीका है वो काफी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्रूशली वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, बैंकिंग एटसेट्रा आर लेस
लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज विच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब ये सब जो सुविधाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई की अच्छी फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज या बैंकिंग है, इन सब की कमी होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, और इसी की वजह से जो देश का विकास है वो उसमें एक तरह से रुकावट होती है। फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। अब जो स्ट्रक्चर है फॉरेन ट्रेड का डेवलपिंग कंट्रीज का, वो भी काफी अलग है। दीज कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स। ये कंट्रीज ज्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं एग्रो प्रोडक्ट्स या जो फार्म पे प्रोडक्ट्स में होती हैं उनको, या साथ साथ मिनरल ओर्स को। दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैव लेस डिमांड एंड लो रेट। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स की बहुत कम डिमांड होती है, दाम भी बहुत कम होते हैं, सो लेस इनकम इज गेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स। इसी वजह से इन गुड्स को एक्सपोर्ट करके बहुत कम इनकम जो है वो जनरेट हो पाती है। व्हाइल इंपोर्ट्स इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी। अब वहीं हम इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, एज द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज मोर सो एक्सपेंसेस ऑन इंपोर्ट राइज़। अब क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए जो इम्पोर्ट का खर्च है वो बढ़ जाता है। दस एज द कंडीशन ऑफ फॉरन ट्रेड आर एडवर्स देर इज एन इंक्रीज इन फॉरन डेप्ट। अब जैसे जैसे हालात फॉरेन ट्रेड के आपके विपरीत होते हैं, तो जो फॉरेन डेब्ट है वो भी बढ़ता चला जाता है। दस वी सी अबव मेंशन फीचर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमने ये जो अभी जितने भी फीचर्स देखे हैं, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड हैं। एज इंडिया इकोनॉमी इज डेवलपिंग, ऑल दीज फीचर्स आर रिलेटेड टू इंडिया इन ग्रेटर और लेसर मेजर। क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी डेवलपिंग है, इसलिए सारे जितने भी फीचर्स हैं ये इंडिया से भी रिलेटेड हैं, चाहे कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा।